मैं भी बहुत खुश हूँ, एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिन्होंने ये समय हमारे जीवन में दिया कि एक बार फिर से हम सब उसके भवन में आए, एकत्रित हो और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वचन कहता है कि जहाँ दो या तीन जन मैदान से इकट्ठे हैं तो उनके बीच में हो, और परमेश्वर अपने वायदों से कभी भी मुकरता नहीं है, उसके वायदे सच्चे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो क्या कि मुकर जाए, वो कल और आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। तो इससे पहले कि आज हम वचन को सीखें समझें वचन में जाए, मैं हमेशा की जैसे धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का, परमात्मा जी का, प्रभु यीशु का कि जो हमारे बीच में है। और हमेशा की जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब प्रभु के बर्तन हैं, और हम जब भी किसी भी बर्तन को इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले हमारा फर्ज है कि हम उसको चेक करें वो साफ है या नहीं, और उसको किसी भी तरीके से आपको किसी भी बर्तन को इस्तेमाल करना है सबसे पहले हम उसे साफ करते हैं। इसी तरीके से इससे पहले कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आए, प्रभु का आत्मा हमें पूरे तरीके से आजाद करना चाहता है हर किस्म के बंधनों से, तो मैं चाहूंगा कि हम सब अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे और प्रभु की आत्मा को हम अलाउ करेंगे, हम उनको वेलकम करेंगे कि वो हमारे अंदर आए, वो हमारे से अपनी महिमा को ले, यीशु की महिमा को ले, और जो वचन हम प्रभु के अंदर ग्रहण कर सीखेंगे वो आत्मा के बिना नहीं सीख सकते, और हम सभी जन अपने आप को अधीन करेंगे परमात्मा के। तो आइए हम सब अपने आप को वर्क कर लें, सभी के सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और एक यूनिटी में आ जाए, हम सब एक हो जाएं, सब एक मन एक आत्मा प्रभु के साथ। और आप सोच सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद आप हमारे बीच में हैं, हमारे मन को देख, हमारे आत्मा को देख, हमारे कामों को देख प्रभु, अगर हमारे काम तुझे पसंद नहीं है प्रभु तो आप उनको बदल दे प्रभु आत्मा, प्रभु जो हम कहें वो वही हो जो तेरी इच्छा हो, हम अपनी इच्छा से कुछ भी ना करें, हम तेरे वचन के अनुसार चले, हम तेरे बीच में बढ़े, हमारे मन को दे, हमारे प्रभु आत्मा को दे, हमारे विचारों को दे प्रभु, तेरे वचन के साथ हमें एक मन कर दे, परमेश्वर के वचन के साथ हम सब एक मन कर दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम सब जन प्रभु जी आपको वेलकम करते हैं, अधीन करते हैं, अपने आप को तेरे अधीन नमन करते हैं प्रभु, हमारे जीवनों के ऊपर अधिकार हो जाए, तेरी महिमा प्रभु तुझे मिले, तेरी महिमा तुझे मिले। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, सब एक बार को धन्यवाद करें, ऐसा बोल रहा हूं परमेश्वर का सावर के लिए छोटा सा गीत गाएंगे।
वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर मिलकर आत्मा से और सच्चाई से हम मिलकर प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। और मैं सच बोल रहा हूँ आपको, जब आप मेरे साथ आत्मा से इस गीत को गाएंगे तो परमेश्वर आत्मा को छुएगा।